नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आप सभी का क्रिएटिव करियर में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में बात करेंगे यहां पर पीईटी स्कोर कार्ड को लेकर। देखो, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, क्योंकि जब से पेपर आप दे के आए हैं तब से क्या हो रहा है, इतने सारे प्रश्न हैं कि आप वैसे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, और क्या हुआ जब से ये आपका स्कोर कार्ड आ गया और इसमें एक परसेंटाइल वाला शब्द आ गया, पढ़ाई बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है। और आपको पता होगा कल क्या हुआ, एक नोटिस भी आ गया है, या नोटिस हम लोगों के लिए नहीं आया है, वो मतलब विभाग को भेजा गया है कि वहाँ से पूछा गया है कि आपके पास वैकेंसी जो भी खाली है बताइए, तो उसी हिसाब से हम क्या करें, नोटिफिकेशन भेजें। तो यानी कि क्या है, हफ्ते भर के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि इसकी परीक्षा जो है दिसंबर के महीने में बिल्कुल फिक्स है कि दिसंबर के महीने में फिक्स परीक्षा ये हो ही जाएगी। देखो, अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, इतने सारे जो डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं। देखो क्या, इतने सारे चैनल हैं, हर तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं, सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आयोग ने स्पष्ट किया नहीं है, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। आप समझिएगा, यहाँ पर जो सच्चाई है मैं उससे आपको रूबरू करा देता हूँ यहाँ पर, और फिर अपने आप से ही क्या करिएगा, समझिएगा आखिर सच्चाई है क्या, समझो पहले। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इसके पीईटी रिजल्ट को लेकर, पीईटी रिजल्ट की अगर बात करें यहाँ पर, तो देखो अगर यहाँ पर स्कोर कार्ड आया है, ये स्कोर कार्ड, और दूसरी बात यहाँ पर रिजल्ट को लेकर ये हो सकती थी कि यहाँ पर कट ऑफ आता, यानी कि जितने लोगों ने पेपर दिया था यहाँ पर उसका क्या होता है, यहाँ पर कट ऑफ आता, या फिर आपका स्कोर कार्ड, और आपको पता है स्कोर कार्ड इसका आ चुका है। तो यानी कि एक चीज़ तो फिक्स हो गई है कि जो ये वाली बात थी कट ऑफ वाली, ये बात तो यहाँ पर गलत सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। अब देखो स्कोर कार्ड से क्या हुआ है, स्कोर कार्ड जो आया है, तो यानी कि एक चीज़ तो फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, यहाँ पर या तो जो टोटल जो वैकेंसी हैं जो भी इनको करानी है अभी, मतलब कि जो एक साल के अंदर, उसका क्या करें, ये 15 गुना पास कर दें यहाँ से, स्कोर कार्ड के माध्यम से 15 गुना पास कर दें यहाँ से। ये देखो, अब ये किस तरह से गलत है, हम इसको भी बात करेंगे। और दूसरी बात ये होगा यहाँ पर कि जो अलग अलग वैकेंसी आएंगी, उसमें ये क्या करेंगे, 15 गुना बुलाएंगे अलग अलग जो भी वैकेंसी होंगी, जैसे लेखपाल हो गया, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का हो गया, ऐसे आपका जेई का वैकेंसी हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, इस तरह से जो भी वैकेंसी आपकी आएंगी, हर वैकेंसी में क्या करेंगे, 15 गुना ही बुलाएंगे। यानी कि सारे फॉर्म तो डलवाएंगे, वो सबको फॉर्म डलवाएंगे, सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, बाद में क्या करेंगे, ऊपर से वो 15 गुना ही निकालेंगे। एक तो बात ये हो सकती है, और दूसरी बात यहाँ पर ये हो सकती है कि जो टोटल वैकेंसी इनकी है उसका क्या करें, 15 गुना अभी से कर दें अलग, उसके बाद फिर क्या करें। आप समझिएगा ये क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा ये भाई जो आयोग होते हैं क्या करते हैं, ये करते ये हैं कि भाई जो एक साल के अंदर पीटी का जो मतलब कि प्रावधान रखा गया है, इसका मतलब यही है कि आप पीटी का रिजल्ट आपके पास आ गया है, आप एक साल तक के लिए वैलिड रहेगा ये, और एक साल में अगर किसी विभाग में जो भी वैकेंसी खाली होती है तो वो क्या करेगा, आयोग करवाएगा, और उन्हीं जो स्कोर मतलब जो जिनके पास स्कोर कार्ड है उन्हीं को बुलाएंगे। तो यानी कि ये हो गया, ऐसा तो कोई फिक्स होता नहीं कि भाई एक साल में इतनी वैकेंसी खाली है, इतने का पेपर होना है, ऐसा नहीं फिक्स होता है। अब आपको पता होगा अगर ऐसा फिक्स होता तो जो कल अभी मतलब कि जो ये आयोग मतलब क्या बोलते हैं विभागों को जो भेजा गया है, यहाँ पर अध्याचन भेजा गया है, ये क्यों भेजा जाता कि भाई आप बताइए कि वैकेंसी को भी खाली है कि नहीं खाली, कितनी वैकेंसी और ज़्यादा खाली है, तो ऐसा नहीं होता। यानी कि क्या होता है, अगर बीच में भी कोई वैकेंसी खाली होगी तो उसको भरा जाएगा, और भरा जाएगा तो किसको बुलाया जाएगा, जिनके पास पीईटी का स्कोर कार्ड होगा। तो यानी कि एक बात तो फिक्स है कि जी 15 गुना बोल रहे हैं ना टोटल वैकेंसी का, ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें किसी प्रकार से कोई तार्किकता है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई तार्किकता नहीं है इसमें, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि एक चीज़ तो फिक्स हो गई है, जो भी अलग अलग वैकेंसी आएंगी उसमें ही बुलाया जाएगा, ये उसमें ही क्या करेंगे, ये 15 गुना बुलाएंगे जो भी वैकेंसी आएगी, यानी कि फॉर्म सबको डलवाएंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर से वो 15 गुना, यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी एससी एसटी सब करके जो है अलग अलग अपना 15 गुना निकालेंगे। देखो फायदा इसमें तभी मिलेगा सभी को, यानी कि अगर क्या हो इस रिजल्ट में क्या करें, एक मिनिमम कट ऑफ बन जाए, कट ऑफ बनने से क्या होगा, तब सबको फायदा मिलेगा यहाँ पर। वो कट ऑफ अगर बनेगा, एक चीज़ तो फिक्स है, अगर कट ऑफ बनता है तो मिनिमम कट ऑफ इसका जो बनेगा 50 से 60 के बीच में बनाना ही पड़ेगा। अब क्यों बनाना पड़ेगा, हम इसकी बात कर लेते हैं। कट ऑफ अगर बनेगा तो 50 से 60 के बीच में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो क्या है, अगर इसका कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगा, 50-60 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एएनएम के लोग हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो पूरे कट ऑफ की बात कर रहे हैं। यानी कि जो अगले एक साल के अंदर वैकेंसी होनी है, जितने लोग यहाँ पर पास हो गए वो फिर क्या करेंगे, अगले एक साल में जो भी आपका वैकेंसी आएगा उसके लिए जो एलिजिबल रहेगा उसमें वो अप्लाई कर पाएगा। भाई सबको तो अप्लाई कर नहीं पाएगा, भाई लेखपाल की वैकेंसी आएगी तो इसमें हो सकता है भाई भले किसी का क्या हो 90 परसेंटाइल हो, उसके पास अगर ट्रिपल सी नहीं है तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास क्या हो,
80% है, लेकिन क्या है उनके पास एग्रीकल्चर का जो है डिग्री नहीं है, तो वो क्या करेंगे जो एग्रीकल्चर वैकेंसी आएंगी उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा होगा। तो इस वजह से क्या अगर मिनिमम कट ऑफ बनेगा तो 50-60 के ऊपर बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है A&M की जो लड़कियाँ इसमें हैं उनके जो नंबर आए थे वो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है उनके, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो A&M की अगर बात करें उनको पहली बार तो ऐसा परीक्षा देना पड़ा है, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी भी उन लोगों को ऐसा परीक्षा नहीं देना पड़ा है जैसा कि परीक्षा हुआ है। उनका जो होता था अभी तक मेडिकल वाला ही होता था, ये पहली बार हुआ है, तो उनके नंबर यहाँ बहुत अच्छे नहीं है। जो नंबर अच्छे हैं उन्हीं लोगों के हैं जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे लेखपाल वगैरह की, उन्हीं के नंबर यहाँ पर अच्छे आए। तो इसलिए क्या है अगर मिनिमम कट ऑफ बनेगा, क्योंकि उनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। रीजन उसका ये है क्योंकि आपको बताओगे लेखपाल से ज़्यादा बड़ी वैकेंसी वो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, उसका पद जो है 9000 से ज़्यादा है, इसलिए क्या है कि उसको ध्यान में रखकर ही कट ऑफ ये बनेगा अगर मिनिमम कट ऑफ बनेगा। तो अगर नहीं बनता है तो एक चीज़ फिक्स है, इसको गांठ बांध लेना, वो क्या होगा कि अलग अलग वैकेंसी वो निकालेंगे। जैसे कि अभी आपको बताया अगर सरकार पे दबाव नहीं बनता है, सरकार पे बनेगा तो वो आयोग पर बोलेंगे, अगर नहीं बनता है तो वो क्या करेंगे अभी आपको बताइए, नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन आएगा और सबसे फार्म भरवाएंगे, उसके बाद ऊपर से क्या करेंगे 15-15 गुना वो निकाल लेंगे, और वो आराम से क्या होगा लोग कम रहेंगे तो आसानी से क्या करेंगे 1-2 शहरों में पेपर करा भी लेंगे आसानी से, पेपर लीक भी नहीं होगा। जो इनको बार बार जवाब देही देनी पड़ रही थी यहाँ पे कि पेपर आपका लीक हो जाता है, उससे भी ये बच जाएंगे, इसलिए ये सब करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप सरकार पे दबाव नहीं बनेगा तो चीज़ें बदलेंगी नहीं और ऐसे ही होगा। आपको पता ही, देखो स्कोर कार्ड आ ही चुका है और अभी देखो 1-2 दिन में आपको जो है नोटिफिकेशन भी दिखने वाला है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी किसी प्रकार की कोई भी ऑफिशियल जानकारी होती है तो हम इसकी जानकारी यहाँ पर आपको देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी जो भी ऑथेंटिक जानकारी रहेंगी। बाकी क्लास भी यहाँ पर चल रही है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्या वो क्लास से संबंधित जो भी जानकारी रहेगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।